अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो माशाल्लाह बफजल खुदा हमारे यहाँ पे ईद का पहला दिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुजरा है। तो जैसे कि आज कनाडा, अमेरिका और सऊदी अरब में भी ईद का पहला दिन था, तो माशाल्लाह पूरे मजहबी जोश और खरोश से ईद उल जुहा का पहला दिन आज गुजरा। तो यहाँ हमारे सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से स्टार्ट हुआ, तो सारा दिन बड़ा ब्रिलियंट किस्म का गुजरा। सारा दिन जब मैं गया मस्जिद तब काफ़ी मौसम गर्म था, उसके बाद भी काफ़ी थोड़ी देर काफ़ी गर्म रहा, फिर अल्लाह के फजल करम से बारिश हुई है। बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चली, तो मौसम में तब्दीली आई, तब्दीली आई, फिर लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने गए। इसी तरह हमारे यहाँ भी माशाल्लाह मेहमान आ गए, बैठे रहे, गप्पे मारते रहे, हर जगह मज़े मज़े के पकवान पके, कुर्बानी थी आज। तो इसी तरह आज माशाल्लाह अभी यहाँ पे पहला दिन गुजरा है, रात हो गई है, पाकिस्तान में दिन हो गया, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आज ईद का पहला रोज़ होगा। तो उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। और एक चीज़ अपने हमेशा माइंड में रखनी है कि ये वाली ईद हमें कुर्बानी सिखाती है, जैसा कि हज़रत इब्राहिम से ये सिलसिला हज़रत इस्माईल से स्टार्ट हुआ। तो वो वाक़या माशाल्लाह हर मुसलमान बड़ा अच्छे से जानता है, और उसी वाक़े की वजह से आज हम कुर्बानी करते हैं, और वो खुदा तआला की रज़ा की खातिर ये कुर्बानी है, दिखावे के लिए नहीं है। इसलिए कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि अमल करें कि कुर्बानी एक दूसरे को दिखावे के लिए नहीं, खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानी करें। दूसरा, डिज़र्व लोगों को गोश्त दें। आज के दिन में ऐसे लोग होते हैं कि जो गोश्त नहीं खरीद सकते, उन लोगों तक पहुँचे, उनको गोश्त दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें, शेयर करें, ये है असल कुर्बानी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों की तौफीक दे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग आपस में नाराज़ हैं, एक दूसरे को मनाएं, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है। आपने कभी कब्रिस्तान, आप में से सभी कब्रिस्तान गए होंगे, तो बड़े बड़े बादशाह लोग, बड़े बड़े ऐसे लोग दुनिया से चले गए, क्या साथ ले गए हैं? कुछ भी नहीं, हड्डियाँ उनकी गल गई हैं। इसलिए छोटी सी ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत से, प्यार से गुजारें, अनाज छोड़ें, हसद बुगस छोड़ दें, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ये मौके ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बहरहाल मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आज कुर्बानी भी करनी है आपने, फिर घर के बहुत सारे काम हैं, फिर आपने मज़े मज़े के पकवान भी पकाने हैं, मेहमान भी आने हैं, तो एंजॉय करें, अच्छे से एंजॉय करें। लेकिन जो इस्लाम ने हमें दायरा कर बताया उसके अंदर है कि एंजॉय करें। तो बाकी आप एक दफ़ा फिर आप और आपकी फैमिलियों को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हों। तो जाते जाते बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।